थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर हैगा टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम मीन्स हाउ द सिस्टम बिहेव्स इन अकॉर्डेंस विद टाइम वैन स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। जदों असी कंट्रोल सिस्टम नूं कोई स्पेसिफाइड इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, इहदी आउटपुट टाइम दे नाल किद्दां वेरी करती है, इस स्टडी नूं की कहने असी टाइम रिस्पॉन्स। मान लो असी सैकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम नूं असी यूनिट स्टैप इनपुट दिंदे आ, इहदी आउटपुट की है टाइम दे नाल इस तरह वेरी करती है। ठीक, आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम वेरीज इन अकॉर्डेंस विद टाइम इन दिस मैनर। द इनिशियल पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पार्ट, दिस इज योर ट्रांजिएंट पार्ट, एंड द पोस्ट ट्रांजिएंट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड स्टैडी स्टेट पार्ट। स्टैडी स्टेट पार्ट मीन्स इन ए कंट्रोल सिस्टम वैन वी अप्लाइड द स्पेसिफाइड इनपुट हाउ द आउटपुट ऑफ सिस्टम वेरीज इन अकॉर्डेंस विद टाइम, दिस स्टडी इज नोन एज टाइम रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ इज द ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स हैज़ टू पार्ट्स। टाइम रिस्पॉन्स हैज़ टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज द ट्रांजिएंट पार्ट। ट्रांजिएंट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट इज द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पार्ट, ट्रांजिएंट पार्ट रिवील्स विद द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। इट रिवील्स रिवील्स विद नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स मीन जिहड़ा ट्रांजिएंट पार्ट सानू की है रिस्पॉन्स की नेचर दसदा, तो एक ये स्पीड दसदा। सैकेंड की है नेचर ऑफ, सैकेंड इज द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स विद विच द ऑसिलेशंस आर डिकेइंग। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स विद विच ऑसिलेशंस आर डिकेइंग। जिहड़ा सैकेंड वाला पार्ट है स्टेडी स्टेट पार्ट, इट रिवील्स विद द एक्यूरेसी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। एक्यूरेसी ऑफ द, इट रिवील्स विद एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हाउ मच एक्यूरेट इज द कंट्रोल सिस्टम इफ इनपुट एंड आउटपुट मैच टूगैदर। इफ इनपुट एंड आउटपुट मैच टूगैदर then system is 100%, then system is 100% accurate। ता system की है तो डागी होएगा 100% accurate होएगा। ते steady state error किन्नी होएगी, zero। error किन्नी होएगी, error will be equal to zero। then we will discuss the टेस्ट इनपुट सिग्नल। जिहड़े असी इत्थे टेस्ट इनपुट सिग्नल अप्लाई करने हैं उन्हां बारे असी डिस्कस करांगे, किहड़े किहड़े टेस्ट इनपुट सिग्नल अप्लाई किए जा सकते हैं। नैक्सट टॉपिक इज टेस्ट इनपुट सिग्नल्स। साढ़े को टेस्ट इनपुट सिग्नल हैगा एक यूनिट स्टैप, यूनिट रैंप, यूनिट इंपल्स, तो यूनिट पैराबोलिक। साढ़े को चार स्टैप टेस्ट इनपुट सिग्नल है। फर्स्ट इज द यूनिट स्टैप इन, यूनिट स्टैप इनपुट सिग्नल। यूनिट स्टैप दे विच की हुंदा, आर टी इज इक्वल टू हुंदा वन फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एंड आर टी इज इक्वल टू जीरो हुंदा फॉर टी लैस दैन जीरो। दिस इज द यूनिट स्टैप इनपुट। ये
इस तरह लगता जिमें कोई एक स्टैप है। स्टैप मीनस टी लैस दैन जीरो है तो यदि वैल्यू कि जीरो है, जो टी इज इकल टू जीरो है तो यदि वैल्यू कि हो जाती है वन हो जाती है। दिस इज वन। सो सिग्नल इज यूनिट स्टैप इनपुट सिग्नल एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टैप इनपुट सिग्नल इज आर एस इज इकल टू वन बाई एस। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टैप इनपुट सिग्नल आर एस इज इकल टू वन बाई एस। सैकेंड सिग्नल इज द यूनिट रैंप इनपुट, रैंप इनपुट। इफ इनपुट वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिट रैंप इनपुट। इफ इनपुट दिस आर टी वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर टी इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, आर टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लैस दैन जीरो, तो यह तुहाडा हो गया आर टी। इधरले पासे की हो गया टाइम टी, दिस इज योर आर टी यूनिट रैंप इनपुट, रैंप इनपुट सिग्नल। मीनस देयर इज ए रैंप, जिमें कि असी घर दे विच देखते हैं रैंप बने होंगे है, उस तरह का यह रैंप सिग्नल है। ये कर स्टैप जिमें पौड़ियाँ होंदियाँ, एक स्टैप हो गया तो यूनिट स्टैप इनपुट सिग्नल, दिस इज द यूनिट रैंप इनपुट सिग्नल। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट रैंप सिग्नल आर एस इज इकल टू होंगी है वन बाय एस स्केयर। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट रैंप सिग्नल इज वन बाय एस स्केयर। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टैप इनपुट सिग्नल इज आर एस इज इकल टू वन बाय एस। नैक्सट सिग्नल इज साढ़े को आ जाता पैराबोलिक टेस्ट इनपुट सिग्नल इज द पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक, पैराबोलिक यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल दे विच हुंदा आर टी वेरीज करदा विद रिस्पैक्ट टू टी स्केयर। आर टी वेरीज विद रिस्पैक्ट टू टी स्केयर। सो आर टी इज इक्वल टू हुंदा टी स्केयर बाय टू फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, आर टी इज इक्वल टू हुंदा जीरो फॉर टी लैस दैन जीरो। जेकर असी इहदा डायग्राम ड्रा करिए यूनिट पैराबोलिक दी, एक पासे आर टी लै लीए असी, एक पासे की लै लीए टाइम, तो इहदा ग्राफ इस तरह का आंदा है पैराबोलिक। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक सिग्नल आर एस इज इकल टू हुंदा वन बाय एस क्यूब। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक सिग्नल इज वन बाय एस क्यूब। एंड लास्ट सिग्नल इज द यूनिट इंपल्स सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल। दिस सिग्नल एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर दिस सिग्नल, सिग्नल एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जस्ट लाइक ए इंपल्स। सो इधर लीए असी आर टी, इधर ले लिए असी टाइम, तो यह सिग्नल बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन लई हुंदा। आर टी इज इकल टू ये बहुत डेल्टा टी ड्यूरेशन लई हुंदा। मान लो जिमें असी किसी परसन नू 220 वोल्ट का सिग्नल ला दिए एक माइक्रोसैकेंड लई, दैन इट इज़ द इंपल्स सिग्नल। सो आर टी इज इकल टू डेल्टा टी, तो इहदा लैपलेस ट्रांसफॉर्म हुंदा आर एस वन हुंदा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स सिग्नल इज वन। नैक्सट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सानू इस चैप्टर नू रीड आउट करने वास्ते
लैपलेस ट्रांसफॉर्म का आना जरूरी है। तो लैपलेस ऑफ जिहड़ा वन हुंदा वन बाय एस हुंदा, लैपलेस ऑफ टी इजिकल टू हुंदा वन बाय एस स्केयर, लैपलेस ऑफ टी स्केयर यह हुंदा वन बाय एस क्यूब, उपर आ जाता टू फैक्टोरियल। लैपलेस ऑफ टी रेज टू पावर थ्री, एस रेज टू पावर फोर, उपर आ जाता थ्री फैक्टोरियल। लैपलेस ऑफ टी रेज टू पावर एन, जनरल की बन जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस वन, ओवर एस रेज टू पावर एन प्लस वन। दिस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन टी टी स्केयर। दैन लैपलेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी, लैपलेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी इजिकल टू हुंदा वन ओवर एस प्लस ए। लैपलेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी किन्ना हुंदा वन ओवर एस प्लस ए। एक असी थ्योरम करिए, ये थ्योरम की कहती है, इफ लैपलेस ऑफ एफ टी इजिकल टू एफ एस, दैन लैपलेस ऑफ एफ टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए टी ये कहदे बराबर होंगी है एफ एस प्लस ए। जिथे जिथे एस हुंदा उत्थे एस की थान पर की लिख देना एस प्लस ए। ये थ्योरम असी इत्थे अप्लाई करिए, लैपलेस ऑफ वन किन्ना हुंदा वन बाय एस, ये वन नू ई रेज टू पावर माइनस ए टी नाल मल्टीप्लाई करिए तां एस की थान पर रीप्लेस कर दिओ एस प्लस ए। ਇਹਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਕੱਢਣਾ, ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਟੀ ਇੰਟੂ ਈ ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਟੀ, ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਬਾਏ ਐੱਸ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐੱਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸ ਪਲੱਸ ਏ। ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਈ ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਟੀ, ਟੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ ਐੱਸ ਕਿਊਬ, ਐੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਐੱਸ ਪਲੱਸ ਏ ਨਾਲ। तो लैपलेस ऑफ टी रेज टू पावर एन इंटू ई रेट पर माइनस ए टी, जनरल फार्मूला की बन जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस प्लस ए रेज टू पावर एन प्लस वन। दिस इज द जनरल फार्मूला। दैन लैपलेस ऑफ कॉस ए टी, लैपलेस ऑफ कॉस ए टी ये कहदे बराबर होंगी है एस बटा एस स्केयर प्लस ए स्केयर, लैपलेस ऑफ साइन ए टी ये बराबर होंगी है ए ओवर एस स्केयर बटा ए ए स्केयर, एस स्केयर प्लस ए स्केयर। हुण असी कॉस ए टी नू, लैपलेस ऑफ कॉस ए टी नू ई रेट पर माइनस बी टी नाल मल्टीप्लाई करिए, तां इत्थे असी यही थ्योरम लावांगे, तां कॉस विच एस दी थान ते एस प्लस किहदे नाल रीप्लेस हो जाएगा एस प्लस बी नाल, एस प्लस बी ओवर एस प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर। लैपलेस ऑफ साइन ए टी इंटू ई रेट पर माइनस बी टी की कैलकुलेट करनी है, सानू पता साइन ए टी की लैपलेस किन्नी है ए है, इहनू किहदे नाल मल्टीप्लाई किया सी ई रेट पर माइनस बी टी नाल, ई रेज टू पावर माइनस बी टी नाल मल्टीप्लाई होने करके एस की थान पर जिथे साइन दे विच एस प्लस बी कर दो, ए ओवर एस प्लस बी स्केयर प्लस ए स्केयर। दैन वी विल डिस्कस अबाउट द लैपलेस इनवर्स, वट इज़ लैपलेस इनवर्स, लैपलेस इनवर्स इज द अपोजिट ऑफ लैपलेस। जेकर असी लैपलेस का उल्ट कर दीए तो की बन जाता लैपलेस इनवर्स, आ लैपलेस असी इधरले पासे लै जाइए, लैपलेस इनवर्स ऑफ वन बाय एस कि बन जाता वन, तो फिर मैं ये लैपलेस इनवर्स के फार्मूले लैंदा वा, लैपलेस इनवर्स, लैपलेस इनवर्स ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1 ਬਾਏ ਐਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1 ਬਾਏ ਐਸ ਸਕੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਟੀ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1 ਬਾਏ ਐਸ ਸਕੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ,
लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/s³ ये कितना हो जाएगा टी स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल लैपलेस इनवर्स ऑफ s रेज टू पावर 4 ये आ जाएगा टी रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल लैपलेस इनवर्स ऑफ s रेज टू पावर n प्लस 1 ये आ जाएगा टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल ये आ गया लैपलेस इनवर्स ये दुबारा दासी लैपलेस इनवर्स ऑफ s प्लस a लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस a ये कादे बराबर आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस a t e रेज टू पावर माइनस a t ता लैपलेस इनवर्स ऑफ s प्लस a दा स्क्वायर ठीक है ये कितना शिफ्ट होया s दी थान ते s प्लस a होया ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ e ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ 80 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/s² 1/s² ਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ t ਇਨਟੂ e ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 80 ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1/s + a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1/s + a³ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ e ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ 80 ਠੀਕ ਹੈ 1/s³ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ t² / 2 फैक्टोरियल ता लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/s + a⁴ n + 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ s ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ e ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ 80 1/s + n ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਪਲੇਸ t ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ s/s² + a² ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ cos at ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ a/s² + a² ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ sin at ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ s + b/s + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ s ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ e ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ bt ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ s / s² + a² ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ cos at ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਆਫ a/s + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ s ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ e ਰੇਟ ਪਰ ਮਾਈਨਸ bt ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ a/s² + a ਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ sin at ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਪਲੇਸ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ